राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही फिर सियासी खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता और सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आरोपों के मुताबिक प्रदेश में फिर से सरकार गिराने का खेल शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने बीजेपी के बहाने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना साधा है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने है। ऐसे में बिना नाम लिए सचिन पायलट पर हमले की सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वैसे तो अशोक गहलोत ने बीजेपी पर एक बार फिर से सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया, लेकिन जानकारों की माने तो राजस्थान में अशोक गहलोत के इस बयान से उनके और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच का सियासी ड्रामा एक बार फिर शुरू हो सकता है। असल में कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि गहलोत ने पायलट गुट के बर्खास्त मंत्रियों की बहाली रोकने के लिए एक बार फिर से सरकार गिराने की कोशिशों का आरोप लगाया। उधर बीजेपी का कहना है कि ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर किसी एमएलए ने ये बात मुख्यमंत्री से कही है तो इसलिए कही क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे मंत्री बनाने का वादा किया था और मंत्री नहीं बना रहे हैं। फिलहाल पायलट गुट इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। सूत्रों के अनुसार कहा यह भी जा रहा है कि तीन निर्दलीय विधायक और बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए दो विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहा है कि उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच अशोक गहलोत ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। माना यह भी जा रहा है कि गहलोत सरकार गिराने के बारे में अपनी बातों को अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के सामने रखेंगे और उनसे चर्चा करेंगे। उधर इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जयपुर पहुंच गए हैं। साथ ही सीएम ने श्रीगंगानगर से किसान सम्मेलन रद्द कर बीच में ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जयपुर बुला लिया है। खबरों की माने तो प्रदेश में हुए सियासी ड्रामे के बाद पहली बार सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जयपुर में मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि इस बार गहलोत पायलट के बीच का ये ड्रामा क्या गोल खिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।